Should we start? Yes. Okay. तो हमने कल मॉडल रीड किया था, आज हम लोग एक्सेल उसका देखते हैं, ट्राई करते हैं कहाँ तक हो पाता है. सो ऑल ऑफ यू ऑल कैन ऑल्सो ओपन योर एक्सेल फाइल्स. इफ यू ऑल सी, एक है मॉडल फॉर सॉल्यूशन, वो मत खोलना, दैट इज द सॉल्यूशन. और एक है डेटा फॉर कैंडिडेट्स, तो वो वाला खोलना. मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है ना? बिकॉज देयर इज वन मोर क्लास गोइंग ऑन. तो हाँ, वॉइस क्लियर क्लियर ठीक है. ओके, कभी भी कुछ डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता देना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आई विल शेयर माय स्क्रीन. व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन स्प्लिट द स्क्रीन इनटू टू, एंड मेरे साथ साथ यू कैन आल्सो डू. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करें. वैलिडेट सबसे पहला क्वेश्चन. नाउ इन सीपी टू व्हेन यू सी दीज क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आप लोग को इसी ऑर्डर में जाना है. इन द सेंस कि आप लोग को हर एक टैब का नेम 1 फिर 2 फिर 3 वैसे डालना है. दीज आर जस्ट द ऑर्डर, एंड इन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने ये सारा कुछ अपने स्प्रेडशीट में डाला है. दे डू नॉट वॉन्ट इट कि इसी ऑर्डर में हो, या फिर आपका शीट का नेम आपने 1 2 वैसे करके डाले. वैसे नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर मॉडल की जैसे ही बनाना है. बट इफ़ वी सी दीज स्टेप्स, तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग को बेटर क्लैरिटी मिलेगा एज टू हाउ वी शुड प्रोसीड. काफ़ी लोग होते हैं, दे डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस, दे जस्ट फॉलो नीचे में जैसे दिया हुआ रहता है जो जो की वैलिडेट योर डेटा इन द बैकग्राउंड मटीरियल बेसिकली, तो उसको फॉलो करके करते हैं. बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज इसको क्वेश्चंस को फॉलो करना विल बी बेटर. तो स्टार्ट करते. द फर्स्ट थिंग इज सेइंग वैलिडेट ऑल द डेटा प्रोवाइडेड ऑन द स्कोर्स, मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स वेर एवर नेसेसरी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, what we should do is to firstly create a parameter sheet. So ye hame diya hua hai, if you see the data scores and the data simulation, this is given. To jo bhi given data hai usko hum log aise rehne dete hain. We should never try to change or do anything extra work in these sheets jo given hota hai, because ho sakta hai examiner will not check these sheets, correct? तो सबसे पहला एंड सबसे मेन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज टू मेक अ पैरामीटर्स शीट. नाउ व्हाट यू कैन डू इज पैरामीटर्स शीट जब हम लोग बनाते हैं, सो दिस, सो आई एम यूजिंग ऑफिस 365. अगर आप लोग का कोई और वर्जन है, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी स्पेसिफिक फीचर्स विच आर ओनली देयर इन ऑफिस, तो हम लोग नॉर्मल फीचर्स ही यूज करेंगे जो सारे एक्सेल फाइल्स में आपको मिले, एक्सेल वर्जन्स में. ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पास 2010 या फिर हायर वर्जन्स ऑफ 2010 है. यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग बिफोर 2010, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है. ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द पैरामीटर्स शीट. इस शीट में हम लोग वो सारा इनपुट, सारा पैरामीटर्स लिखेंगे जो मेरे बैकग्राउंड मटीरियल में मुझे दिया हुआ है, करेक्ट? सो आई विल फर्स्ट गिव द नेम ऑफ the sheet as parameters. You all can increase the size if you all want to. And then it is always better कि जब हम लोग background material read कर रहे थे उसके साथ साथ ही हम लोग parameter sheet बना ले. Or you can just once go through the background material entirely and then you can come back and note down your points. यहाँ पे my marked portions are not there.
एक सेकेंड आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल गेट द फाइल जिसे मैंने मार्क किया था कल. ओके ठीक है. तो इधर में वी हैव ऑल दोज इनपुट एंड ऑल दोज पैरामीटर्स विच वी रिक्वायर एंड इनको ही हम लोग को यूज करना है फॉर आर फ्यूचर पर्पसेस. ठीक है. एंड ऑल्सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कौन सा पैरामीटर्स डाल रहे हो इन योर पैरामीटर शीट. बहुत लोग कुछ एक्स्ट्रा भी डालते हैं, बहुत लोग कुछ कम भी डालते हैं. सो अगेन इट विल डिपेंड ऑन. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग काफी पैरामीटर्स स्किप कर दे, बाद में व्हेन वी आर डूइंग द कैलकुलेशन तब हमें लगे कि दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर जिसको एड करना. सो वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड एड इट टू आर शीट. तो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू योर कैन बी वॉट इफ यू रीड द बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या डालना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग एज अ पैरामीटर जो हम लोग को कैलकुलेशन. एंड हम लोग को अननेसेसरीली ज्यादा पैरामीटर्स भी नहीं डालने जो हम लोग नहीं यूज करें अपने मॉडल में. सो वी शुड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, आप लोग बताओ. नंबर ऑफ कार्ड्स. या नंबर ऑफ कार्ड्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स 20 है तो इसको डाल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्ड्स. सो वी कैन राइट नंबर ऑफ कार्ड्स. ऑल्सो वी विल रीनेम द सेल्स. तो हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं, फिर आई शो यू ऑल द शॉर्टकट ऑल्सो कि कैसे रीनेम फास्ट करते हैं. सो द नंबर ऑफ कार्ड्स आर 20 एंड देन नेक्स्ट व्हाट एल्स. 25 मीटर्स, 50 एंड 100 मीटर्स. ठीक है, बट उसके पहले कुछ और मीटर्स डाल सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि मीटर्स का हमें डायरेक्टली कैलकुलेशन में कहीं भी जरूरत पड़ेगा. डाल सकते हैं, वो भी डालेंगे. देन व्हाट यू ऑल शुड ऑल्सो कीप इन माइंड हमेशा कि एक टाइप के पैरामीटर्स हमेशा साथ में जाए. सो व्हेन वी आर राइटिंग नंबर ऑफ कार्ड्स इसके साथ व्हाट शुड वी राइट मैक्सिमम स्कोर पर कार्ड, है ना. क्योंकि अगर आप लोग जनरली देखते हो जब अगर आपने CM1 या CT1 या CT5 दिया है तो उसमें क्या होता था, उसमें पैरामीटर्स साथ में होते थे. जैसे पहले होते हैं सारे प्रॉफिट टेस्टिंग के, फिर होते सारे रिजर्विंग के पैरामीटर्स, फिर होते हैं तो वैसे साथ साथ में क्लब किया हुआ होता है. तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन फर्स्ट. सेकेंडली जब हम लोग ऑडिट ट्रे लिखेंगे तो भी हम लोग इजिली बता पाएंगे कि इन सेल्स में इनका पैरामीटर्स अलग है, इन सेल्स में इसका पैरामीटर्स अलग है. सो व्हाट, सो द मैक्सिमम स्कोर वाज 100. एंड एक और चीज जो इससे हमें मिलेगा विल बी द टोटल स्कोर, विल बी द टोटल स्कोर अक्रॉस ऑल द कार्ड्स. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंस यू सी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 2000 नहीं लिख रहे एंड मल्टीप्लाइंग 20 into 100. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली नहीं डाल रहे, वी आर मल्टीप्लाइंग 20 into 100. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज यहाँ पे जस्ट बिकॉज आई हैवंट इनपुटेड एनीथिंग मैन्युअली, आई हैव कैलकुलेटेड समथिंग सो आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई सेल. और ये जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, वील मेक अ प्रोटोकॉल बोल सकते हैं कि हम लोग ब्लू को इससे डिनोट करेंगे, रेड को इससे डिनोट करेंगे, येलो को इससे एंड ग्रीन को इससे. सो वील मेक अ प्रॉपर कलर स्कीम. क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग से वैसे करेंगे सो वील बी इनटू एन हैबिट ऑफ यू नो डेवलपिंग वन पर्टिकुलर मॉडल इन अ वन पर्टिकुलर वे, ताकि बाद में इतना सोचना नहीं पड़े कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करने. हाँ आदर्श, आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग. ओके ओके, सो ये हो गया. इसके बाद कोई और पैरामीटर हमें जो डालना हो, सो वी कैन रीनेम दिस, वी कैन रीनेम दिस एज कार्ड्स इफ यू ऑल वांट टू. आपको जो भी रीनेमिंग करना ठीक लगे. इसको कैसे दे सकते हो, मैक्स स्कोर दे सकते हो. करेक्ट, बेटर वे ऑफ अगेन कैपिटल रखो फर्स्ट लेटर एंड
फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड को डू नॉट गिव अ गैप इन द रीनेमिंग. ठीक है, यहाँ पे यू कैन गिव दिस एज कार्ड्स. एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, इस पूरे कॉलम को आई कैन चेंज इट इन रेड एंड इटैलिक्स कंट्रोल आई. कंट्रोल आई इटैलिक्स क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली आई विल राइट इन माई ऑडिट ट्रेल कि मैंने अकॉर्डिंगली रीनेम किया है अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर एडजेसेंट राइट एडजेसेंट सेल्स. दिस विल बी आर टोटल या फिर मैक्सिमम स्कोर. करेक्ट, इसको आप लोग क्या दे सकते हो? टोटल स्कोर, टोटल जो भी आपका मन करे. इट्स इट शुड मेक सम सेंस, बस यही है. सो दीज आर द पैरामीटर्स. व्हाट एल्स? और कितने पैरामीटर्स है हमारे इसमें बैकग्राउंड में? और एक अभी आ जाएगा मिन, मतलब मिन फॉर आवर डेटा, मिन स्कोर रिकॉर्डेड 90. हाँ दे सकते हैं मिनिमम स्कोर रिकॉर्डेड फॉर आवर डेटा. सो मिनिमम स्कोर, बट आदर्श दैट मिनिमम स्कोर इज फॉर ओनली 25 मीटर्स वाला केस. हाँ so we can, but we'll need that parameter to check validate the data. If there is anything less than 90, it will not be there. Okay, we can do that. So minimum score for 25 meters, we can say this, hai na? So this is 90. Okay. And we can name this as min 25. Okay, good. ठीक है. Let me keep this as min score 25. Okay. What else? You all are forgetting your important parameters. This entire table. This is obviously the most important one. So yahan pe I can write. What I can do is the best thing which I always do is I make this kind of a table itself. Taki hum log ko refer karne mein easy rahe. So I will write. इसका एक हेडिंग दे देते हैं हम लोग कि हेडिंग ट्रायल्स. हां ट्रायल्स, हेडिंग ट्रायल्स हो सकता है. मीन दे आर गोइंग टू डू ट्रायल्स. ट्रायल्स नहीं, लेट मी जस्ट कीप इट दैट वे बिकॉज़ यहां पे एमक्यूएस एंड स्कॉलरशिप दोनों हैं. अगर खाली एमक्यूएस होता तो मैं हेडिंग दे देती. इफ यू ऑल वांट टू यू ऑल कैन, अदरवाइज डजंट मैटर. ठीक है, तो ये मेरा हो गया सीनियर टीम का. And I will make it exactly in the same manner. क्यों? क्योंकि मुझे easier होगा to check. 1950 है, 1950 है, and this is 1940. This is MQS out of 2000. Yes, and 20,000, 15,000. Senior team scholarship 20,000 and junior team 15,000. So this is 20 and 15. Okay. So this is 20,000 and this is 15,000. So I have to again change this in dono ko. Also, hum log ek kaam kar sakte hain. Isko hum log currency mein change kar dete hain. It's in dollars ki fir pounds mein diya hua hai. Dollars mein diya hua hai. So let us change it in dollars itself. Theek hai? This is a scholarship amount. Correct. What else? One more thing. यही पे इसी टेबल में हमें एक और चीज अभी हमें नहीं समझ में आएगा. So let us just keep it this way. Correct. ऐसा रखते हैं. ठीक है. Anything else? Last point जो था equality, like the numbers of junior and senior should be same, that तो MQS can be lower, right? 1940 से. Correct. Equality वाला ना? हाँ. हाँ तो वो हमें calculate करना पड़ेगा junior team का कि what should be the MQS. Very good. तो वो हम लोग अपने table को extend कर सकते हैं फिर उस case में. And यहाँ पे वी कैन मेक MQS इक्वालिटी वाला. इक्वालिटी सिनेरियो वाला.
करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, ओके. तो इस केस में हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, व्हाट यू ऑल थिंक शुड बी द एमक्यूएस? सीनियर टीम का तो सेम रहेगा 1950, करेक्ट. जूनियर टीम का भी हमें नहीं पता है, सो दिस इज समथिंग विच वील कैलक्यूलेट. तो इसको हम लोग अभी के लिए ब्लैंक छोड़ते हैं एंड वील कम टू इट व्हेन वी कैलक्यूलेट दिस. ठीक है, इज इट फाइन नाउ? अभी बताओ नेक्स्ट. Yes. और क्या है और कुछ अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो? पॉइंट्स ड्रॉप. हाँ सॉरी, पॉइंट्स ड्रॉप तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, देयर इज नो पैरामीटर फॉर दैट. ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डाल सकते हैं, करेक्ट. हाँ, और फिर नंबर ऑफ 50 मीटर्स कार्ड्स एंड 100 मीटर्स कार्ड्स, 10 10 तक. ओके ओके, सो नंबर of candidates are 100. ठीक है, इसको क्या रीनेम करना है, कॉम्पिटिटर्स या कैंडिडेट्स कर दे? आई थिंक बैकग्राउंड में इट इज ऑलवेज रेफर्ड एज कॉम्पिटिटर्स, जैसा बैकग्राउंड में रेफर्ड है वैसा करते हैं. एंड आदर्श, यू आर सेइंग समथिंग? नो नो, अच्छा, नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर 50 मीटर्स एंड 100 मीटर्स. डू यू थिंक वो रिक्वायर्ड है डायरेक्टली हमें कहीं भी? नहीं, ऐसे तो नहीं है, बस वो हमको लगा कि आई थिंक फॉर द कंसिस्टेंसी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कार्ड्स 20 डाला है, तो बस वो कंसिस्टेंसी के लिए. हाँ कर सकते हो, बट अभी मुझे नहीं लग रहा ठीक, बिकॉज ऑब्वियसली हमें उतना टाइम भी नहीं मिलेगा टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पैरामीटर्स शीट इटसेल्फ. दिस शुड ओनली टेक 3-4 मिनट्स मैक्सिमम, आई एम सेइंग 3 मिनट्स, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए इन द पैरामीटर्स शीट. दिस विल नॉट गिव यू एनी मार्क्स एक्चुअली, ये खाली आपके प्रेजेंटेशन में जाएगा, एक्सप्लिसिटली मार्क्स नहीं मिलेगा, वो जो टेक्निक ऑफ मॉडलिंग है उसमें आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा. सो अगेन आई हैव लेफ्ट स्पेसेस कि ठीक है, अगर हमें बाद में लगे कि नहीं हमें यूज करना है कुछ, सो वी कैन अगेन कम बैक. ऑल्सो नाउ वी हैव टू रीनेम, सो वॉट वी हैव टू डू, पहले इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है. यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F3. कंट्रोल शिफ्ट F3 से यू विल गेट राइट कॉलम, लाइक ये सारे सेल्स को हमें रीनेम करना है अकॉर्डिंग टू द राइट कॉलम, एंड दिस इज द रीजन. सो दिस राइटिंग दिस ऑन द वेरी राइट सेल, एडजेसेंट सेल, गिव मी टू एडवांटेजेस. पहला, आई कैन रीनेम इट क्विकली. सेकेंडली, जब मैं ऑडिट ट्रे लिखूं तब मैं बोल पाऊँ कि आई हैव रीनेम्ड दीज सेल्स अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंट सेल्स मार्क्ड इन रेड. तो ये दो बेनिफिट मुझे इधर पे मिल गया of doing this, of following this, correct. इसको भी okay करते हैं. Control Shift F3 is the shortcut. For you guys, those who are using HP laptop, आपके लिए हो सकता है Control Shift FN F3. Like for me, I'm using Dell, तो Control Shift F3 से होता है. आप लोगों को function की use करना पड़ता है. For those who are using HP or Lenovo, I guess. ठीक है. So see, these cells have been renamed. So ye ho gaya. But still we are forgetting something. We have to also rename these cells, right? So you know what happened with that particular F3 function? Sorry? What happened with F3 functions? Like what was the difference? Ki 20 ka humne yahan right hand side pe we have marked as cards, right? So what happened with that particular function? What is the changes? Are you talking about using Control Shift F3? ये वाला? हाँ, so इससे क्या हुआ? मतलब what is the changes? इससे मैंने rename कर दिया. देखो cards, ये अपने आप rename हो गए. Max score, total score. So this is the shortcut for renaming the cell. Again, because parameter sheet है, so see there are two options which you can follow. फर्स्ट है कि आप बिना रीनेम के यूज करो. सो सपोज व्हेन आई एम यूजिंग सम ऑफ द कैलकुलेशन, तो मुझे यहाँ पे इनको बार बार नहीं रेफर करना पड़े. लाइक आई डू नॉट हैव टू अगेन एंड अगेन गो बैक टू माई पैरामीटर्स शीट एंड सिलेक्ट. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली रीनेम यहाँ पे इसको,
so that I can directly type the name of the parameter there. I do not have to come to my parameters sheet. Firstly, this is the advantage, obviously. It saves a lot of time. And इसीलिए मैंने directly क्या किया, सारे cells को select किया and control shift F3 and I used the right column in order to rename. तो इससे मुझे एडवांटेज ये मिला कि तुरंत रीनेम हो गया यूजिंग दिस शॉर्टकट. एंड ऑल्सो कि मैं जब ऑडिट ट्रे लिखूंगी देन यू विल रियलाइज कि ठीक है ये हमें हेल्प किया हमें देन. सो हमें ऑडिट ट्रे में हर एक शीट के बारे में लिखना पड़ेगा. सो व्हेन वी विल राइट फॉर द पैरामीटर्स शीट हम लोग इजीली बोल पाएंगे कि वहां पे इन द पैरामीटर्स शीट दीज आर द पैरामीटर्स विच वी हैव मेंशन एंड वी हैव रीनेम्ड द सेल अकॉर्डिंगली according to the adjacent right cells marked in red color. Clear? Siddhi? Yes, yes. Okay. इन दोनों को भी rename करना है इन सबको तो इनको भी करते हैं इनको directly इधर से ही करते हैं इसको हम लोग क्या दें senior MQS दे दें या फिर MQS senior जैसा आपको convenient लगे ठीक है इसको सिमिलरली जूनियर MQS दे देते हैं जूनियर MQS स्कॉलरशिप सीनियर स्कॉलरशिप जूनियर स्कॉलरशिप ठीक है तो इधर मैं कॉपी कर लेती हूँ सीनियर स्कॉलर आप लोग को अगर ये टेबल में नहीं बनाना यू हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म सीनियर टीम का स्कॉलर MQS जूनियर का MQS स्कॉलरशिप इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और यू ऑल कैन मेक द टेबल एज वेल बोथ इज एक्सेप्टेबल इन दिस केस इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू आई जनरली फॉलो दिस अप्रोच ऑफ टेबल क्यों एक तो समझना ईजी रहता है जल्दी से मिल जाता है हमें एंड हमें बार बार वर्ड्स रिपीट नहीं करने पड़ते सीनियर स्कॉलरशिप ऐसे करके सो इट इज कम्प्लीटली योर वे ऑफ डूइंग इट दिस इज वॉट आई तो हम लोग क्या करेंगे वी विल ट्राई ऑल द अप्रोचेस मे बी इन द नेक्स्ट पेपर विच वी विल सॉल्व हम लोग दूसरे अप्रोच से कर सकते हैं तो यहाँ पे आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट आई विल चेंज जूनियर यहाँ पे ठीक है जूनियर स्कॉलरशिप मैंने रीनेम कर दिया सो सीनियर MQS जूनियर MQS सीनियर स्कॉलरशिप जूनियर स्कॉलरशिप एंड ये तो आपका सेम रहेगा तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रीनेमिंग दिस वॉट यू कैन डू इज इक्वल टू करके अपने ये सिलेक्ट कर सकते हैं सीनियर MQS एक बार यहाँ पे ध्यान दो प्लीज वॉट आई हैव डन यहाँ पे इन दिस सेल दिस विल रिमेन द सेम एज सीनियर टीम क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू चेंज जूनियर टीम का MQS तो इक्वल टू करके मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया सीनियर MQS को सो दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस दिस अगेन गोज इनटू अ गुड मॉडलिंग हैबिट क्यों क्योंकि इफ आई विल चेंज दिस नाउ मे बी देन दिस आल्सो चेंजेस तो हमें इसको कांस्टेंट रखना था हमें इसको हमेशा कांस्टेंट रखना था अपने सीनियर MQS को एंड सो आई हैव डन इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर देख लो ठीक है एंड इधर पे हमें अभी पता नहीं है तो डू यू ऑल वॉन्ट मी टू रीनेम अभी या फिर बाद में इट इज कंप्लीटली अप टू यू यू नो व्हाट हैपेंस अभी हमने ये जो बनाया है इट विल नॉट ऑलवेज द केस कि हमें ये रियलाइज हो इन द वेरी बिगनिंग कि हमें ऐसा कुछ बनाना है आप लोगों ने ही बोला बनाने आई हैव मेड बट When you are solving the problem, बहुत बार तब होता है कि मॉडल बनाते बनाते हमें लगता है कि ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है देन वी कम बैक अगेन एंड अगेन टू चेंज आर पैरामीटर्स शीट हमेशा एक बार में नहीं बनता सो डू नॉट एवर सिट एंड सर्च फॉर ऑल द पैरामीटर्स जितना भी दिखे सामने एक बार लिख दो एक बार के लिए अननेसेसरीली भी ज्यादा नहीं लिखना एंड बाद में when we solve the model, तब हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा इसका जरूरत है वी कैन ऑब्वियसली कम बैक एंड अपडेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे दिस कैन बी रीनेम्ड एज इक्वालिटी MQS डाल सकते हो जूनियर MQS 2 डाल सकते हो एनी थिंग तो मैं डालती हूँ जूनियर MQS 2
ठीक है, जूनियर एमक्यूएस टू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू आप लोगों को क्या रीनेम करना है. ठीक है, जूनियर एमक्यूएस टू इज व्हाट आई हैव रीनेम्ड. यू ऑल कैन रीनेम जूनियर एमक्यूएस टू इक्वालिटी एमक्यूएस, इक्वालिटी जूनियर, ऐसे ऐसे कुछ भी रीनेम कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इट शुड मेक सम सेंस. अगेन एक रीनेमिंग का कन्वेंशन होता है विच आई हैव फॉलोड. जब दो वर्ड्स लिखते हो, डू नॉट लीव अ ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन. यू कैन यूज अंडरस्कोर, बट अंडरस्कोर आई जनरली अवॉइड क्योंकि उससे बहुत बड़ा हो जाता है नेम. सेकेंडली, हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर शुड बी इन कैपिटल. दीज आर द नेमिंग कन्वेंशंस विच वी जनरली फॉलो व्हेन वी मेक अ मॉडल, नॉट ओनली इन एक्सेल बट इन एवरीवेयर व्हेनेवर वी मेक अ मॉडल. ठीक है, दिस इज द नेमिंग बेसिक नेमिंग कन्वेंशन विच वी फॉलो. तो ये हो गया. यू ऑल कैन चेंज दिस इन टू बोल्स इफ यू ऑल वॉन्ट, डजेंट मैटर एक्चुअली. लेट मी कीप इट दिस वे ओनली. तो ये हमें बाद में कैलकुलेट करके पता चलेगा. अभी के लिए हम लोग 1940 कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग लेस देन दिस अगर हमें ज्यादा लोगों को लेना है इन माई जूनियर टीम. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. अभी हम लोग इतना अभी के लिए इट्स फाइन. वील कम अगेन इस शीट में जब हमें जरूरत पड़ेगा कि कुछ और हमें एडिशन करने हैं. क्लियर? दिस मेरा वो शॉर्टकट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो कंट्रोल FN F3 वाला यूज होल ही रखा है. कंट्रोल शून्य मेरा एक पूरा, जैसे हम एक सेकंड हम शेयर करते हैं. अच्छा आप शेयर करो. मेरा वो एक बॉक्स आ जा रहा है, डायलॉग बॉक्स, जिसमें मैन्युअली आ रहा है. आपका जैसे वो ऑप्शन आया ना, नेम टू द राइट कॉलम और कंट्रोल शिफ्ट F3. हां मेरा कंट्रोल शिफ्ट F3 से नहीं हो रहा, कंट्रोल FN F3 से हो रहा. कंट्रोल शिफ्ट FN F3 से नहीं हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट FN F3. अच्छा हाँ हो गया, हम शिफ्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, अभी हो गया. ठीक है, सो यहाँ तक हो गया, एक बार कर लो आराम से. वील देन मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Now, when we'll see the solution also, ना जो दिया हुआ है IFOA का, हम लोग का थोड़ा डिफरेंट होगा. डजेंट मैटर, हमें एग्जामिनर्स रिपोर्ट देखना है कि वेदर वॉट एवर इज मैंशनड इन द एग्जामिनर्स रिपोर्ट वो हमने कवर कराए कि नहीं. ठीक है, एंड वील मेक वन पर्टिकुलर वे, इसी वे से हम लोग सब कैलकुलेशन करेंगे. सो सी एव मार्क्ड दिस इन टू एज येलो, क्योंकि ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और यू कैन मेक दिस इनटू ब्लू आल्सो, दोनों यहाँ पे चलेगा क्योंकि ये हमें गोल सीख से बाद में निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको ब्लू भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो. लेट अस कीप दिस एज ब्लू, क्योंकि ब्लू इज समथिंग वी आर डिनोटिंग कि ये हमने कैलकुलेट करा है अलग से. ठीक है, क्यों मैंने इधर ब्लू कर दिया, बिकॉज ऑल ऑफ दीज वर इनपुटेड, बट ये वाला खाली मैंने बाद में वील कैलकुलेट एंड वील चेंज दिस बेसिकली. ठीक है, आप नोट बना के रख सकते हो कि ब्लू कलर स्कीम इज फॉर फॉर्मूलाज या फिर फंक्शंस, फॉर्मूलाज बेसिकली, नॉट द वैल्यूज. येलो हम लोग हार्ड कोड वैल्यूज के लिए रखेंगे. ओके, बट जैसे CM2 में जब हम लोग देते थे तो हम लोग को बोलता था कि कैलकुलेशन शीट एक अलग से रखो, बट जैसे हम लोग जब ये गोल सीख करेंगे और जो टोटल स्कोर वगैरह सब है ये भी कैलकुलेटेड है, तो बोलता था कॉपी करके एक जगह पे वैल्यूज रखो और एक जगह पे वर्किंग भी दिखाओ, दोनों करने बोलता था. आदर्श उसमें क्या होता था ना, मैंने फर्स्ट लाइन नहीं बोला आपको इफ यू रिमेम्बर, कि हम लोग इधर वैसे नहीं जा रहे, लाइक वी आर नॉट गोइंग क्वेश्चन वाइज यहाँ पे. वापस से डालेंगे क्या हम लोग कॉपी करके? बिल्कुल नहीं है, कम्प्लीट मॉडल. इसको आपको ये देख के नहीं बताना की क्वेश्चन वन सॉल्व किया, कहीं भी हमें ये मेंशन नहीं करना है. In fact, not even our audit trail,
कि ये हमारा क्वेश्चन वन था, ये क्वेश्चन टू कहीं नहीं मेंशन करने आपको. यू जस्ट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओह, सो वी डू नॉट हैव टू से दैट ओके वी हैव वैलिडेटेड, ये जस्ट प्लेन सिंपल कंप्लीट होना चाहिए प्रोजेक्ट की तरह. हाँ, प्रोजेक्ट की तरह, प्रोजेक्ट की तरह. ठीक है, सो शुड वी मूव फर्स्ट वाला करें क्वेश्चन सॉल्व, वैलिडेट द स्कोर्स. ओके, सो अब देखो, जब मैंने बोला कि हमें स्कोर्स वैलिडेट करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द डेटा शीट विच इज गिवन टू अस. हम लोग क्या करेंगे, वी आर नॉट इवन गोइंग टू कॉपी, मूव एंड कॉपी जो हम लोग करते हैं शीट को, मूव एंड कॉपी वो भी नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट पूरा ही एक नया शीट यहाँ पे, एंड हम लोग लिख सकते हैं डेटा स्कोर्स validation. You can only write scores validation, data scores validation. What I think is scores validation zyada better rahega. You all can keep it data scores validation ya fir validation of data scores, anything. But pata chalna chahiye ki aap log kiska validation kar rahe ho idhar. That is the main thing. Theek hai? Once this is done, हम लोग यहाँ पे हमेशा दिस शुड बी फॉलोड कि हमें ज्यादा डेकोरेशन में नहीं जाना है, बिकॉज इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा. रिमेम्बर, ये पूरा मॉडल शुड बी मेड इन 1 आवर. ओके, खाली 1 आवर है, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम आई एम सेइंग कि उतना का टारगेट रखोगे तो 1 आवर 15 मिनट्स तक एक्सटेंड हो सकता है. उसमें हमें पूरा मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है. सो यहाँ पे लिखो वैलिडेशन ऑफ डेटा स्कोर्स. करेक्ट, आई यूज अ फ्यू शॉर्टकट्स, ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं, बट जो जो है, जैसे मैंने एक आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ एन एफ थ्री बताया, तो वो आप लोग लिख लो. एक है कि वेन वी आर टाइपिंग, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग को पता है कि नहीं, तो हम लोग टाइप कर रहे हैं सपोज, तो यू ऑल कैन सी जो भी फॉर्मेटिंग वाला है, एडिटिंग वाला ऑप्शन है, ये सारा ब्लैंक हो जाते हैं. तो बहुत लोग क्या करते हैं, दे कम टू द नेक्स्ट सेल, दे अगेन गो अप एंड देन दे फॉर्मेट इट अकॉर्डिंगली. वॉट शॉर्टकट वी कैन यूज ओवर हियर, सपोज आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, एक बार ध्यान देना, ये ब्लैंक है, यू कैन नॉट यूज एनी फॉर्मेटिंग ऑप्शन अभी. कंट्रोल एंटर शॉर्टकट यूज करो, कंट्रोल एंटर, एंड आप उसी सेल में रहोगे एंड आपका ये सारा अभी यूज कर सकते हो. सो बेसिकली यू डू नॉट हैव टू कम डाउन या फिर मूव राइट एंड देन अगेन कम बैक इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दीज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. कंट्रोल प्लस एंटर इज द शॉर्टकट इफ यू यूज, तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? यस. ओके, so validation of data scores. Now, sheet renaming का क्या कोई shortcut है क्या? Sheet renaming अगर करना है तो जैसे right click करते हैं हम लोग, फिर rename दबाते हैं. नहीं, double click करो ऐसे. Double. हाँ मतलब double, हाँ double click या right click mouse के बिना, जैसे मतलब keyboard पे कोई shortcut है क्या? नहीं, अगर होगा भी ना, मुझे idea नहीं actually. There are a lot of shortcuts, so मैं personally थोड़ा कम shortcuts use करती हूँ. नेविगेशन शीट्स में कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, बट बिकॉज इसके लिए आपको जस्ट ऐसे डबल क्लिक करना है. सो आई थिंक दैट इज बेटर देन शॉर्टकट एज इट इज. आपको, आई एम नॉट श्योर इसका शॉर्टकट है कि नहीं, आई कैन शेयर द एंटायर शॉर्टकट लिस्ट आई हैव मेड पूरा. देर आर 150-200 शॉर्टकट्स विच आई हैव, मतलब कंट्रोल के साथ सारा कीज, शिफ्ट के साथ सारा कीज, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सारा. आई हैव द एंटायर लिस्ट, एक्सेल फाइल मैंने बना रखा है, आई विल सेंड यू ऑल, बट उतना भी यू ऑल कैन सी दैट. ठीक है, आई विल शेयर टुडे ओनली, आई विल शेयर. तो स्कोर्स वैलिडेशन, अब यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज, ये चीज बहुत ध्यान देना, वी डू नॉट हैव टू कॉपी पेस्ट ये पूरा शीट वहां पे. That is something you are breaking the linkage. अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ कुछ चेंज होगा तो आपका स्कोर्स वैलिडेशन में कुछ नहीं चेंज होगा. सो वॉट वी हैव टू डू इंस्टेड, कि हम लोग को लिंक करना है अपने
cells ko. So if you all can see, this is starting from cell number B5. ठीक है, B5 से स्टार्ट हो रहा है. सो वी ऑल कैन डू द सेम. B5 में जाते हैं, B5 में जाते हैं, इक्वल टू, एंड वी कैन सिलेक्ट दिस सेल. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज हमें वो लिंकेज तोड़ना नहीं है कि अगर आपका कुछ चेंज होगा उस शीट में, सो इट शुड ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर हियर. मैं थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज कर रही हूं, बस मुझे बताना कि इफ इट्स विजिबल प्रॉपरली. और व्हाट आई विल डू इज वेट. कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया. ठीक है, तो अभी लिंक किया हमने, इसको लेके जाते हैं. 100 तक तो है ही ना, देर आर 100 कैंडिडेट्स. तो देख लो, ये फिर B5 को B5 पे रखा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेटिंग थिंग और व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे B5 से स्टार्ट हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज सी यू ऑल कैन ऑब्वियसली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट फॉर्मेटिंग का बात नहीं है, है कि मुझे फिर समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ तक एंड हो रहा है. तो एग्जाम में क्या होता है, जनरली आई ऑलवेज क्रॉस चेक दीज थिंग्स कि मैंने कोई डेटा स्किप तो नहीं कर दिया. इवन इफ आई नो कि एज बैंड वन कॉम्पिटिटर्स वन से देर आर 20 कार्ड्स एंड 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहाँ पे 100 हैं, बट स्टिल देर इज समथिंग कि मिस ना हो, इसीलिए इफ आई हैव टेकन फ्रॉम B5 आई नो इट शुड एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम W, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे W पे खत्म हो रहा है. And I know last maybe it should end at this particular cell, W105. So मुझे ये पता रहेगा. So nothing but कि मुझे एक satisfaction है that okay I've copied the data correctly. आप लोग कहीं से भी कर सकते हो. Again these are the very small in fact things. But ये सारे कभी कभी affect कर जाते हैं in our models. Like हम कुछ maybe data skip कर जाए या हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे हमने सही से किया है कि नहीं. सो जस्ट टू अवॉइड दोस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई डू दिस. ठीक है, ओके. सो यू ऑल कैन एनीवेज, क्योंकि यहाँ पे इट विल नॉट मैटर बिकॉज हमने सेल को लिंक करा है उधर से, सो इट विल एनीवेज नॉट मैटर अगर आप कहीं से भी करो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से प्रेजेंटेशन भी ठीक रहता है, दैट्स द ओनली रीजन. Do not copy paste the data because in that case you are breaking the linkage. क्योंकि अगर आप copy paste करते हो तो उस case में if you are changing anything here, it will not get changed in the validation sheet. तो वो हमें नहीं करना, we have to avoid that. Although data वाले sheet में generally there are no changes made, but still. Once this is done, we can now validate. तो कल आदर्श ने एक बताया था कि एज बैंड जे या फिर एस होगा, फिर आप लोगों ने भी ये भी बताया था कि द स्कोर शुड बी बिटवीन 90 and 100. सो दीज आर द 3 वैलिडेशन विच वी गॉट. ऑल्सो इफ यू सी द मार्क्स इज 3, सो जनरली वेन द मार्क्स इज 3 दे वॉन्ट अस टू डू 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स. तो यहाँ पे भी हमारे 3 चेक्स तो हो ही रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत और एड ऑन कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू एट ऑल. Should we move कि कैसे हम लोग checks करना start करें, that is the I think the most important part. ठीक है, तो यहाँ पे the very first check जो आदर्श ने बोला it should be S or it should be J. तो you all can leave a space in between if you all want. यहाँ पे हम लोग किसका check करें, age band का. तो मैंने लिखा इधर age band. ठीक है,
Now there are 3-4 different methods of checks you will see when you solve a lot of papers. मैं दो टाइप का फॉलो करती हूँ. आई विल शो यू वन ओवर हियर एंड और भी जो है आई विल एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. दूसरे मॉडल्स में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग तभी भी देख सकते हैं. नाउ दैट इज देयर ऑल्सो ऑलवेज चेंज दिस इनटू चेक्स जो भी हो उसको हमेशा रेड में डिनोट करना है ताकि वो समझ में आए कि ओके दिस इज अ चेक विच वी आर मेकिंग. एज बैंड इधर लिखते हैं बेटर रहेगा. सो आई विल चेंज द कलर एक साथ में सारा. सो बेसिकली अभी पहले हम लोग एज बैंड का चेक करें कि आइदर इट शुड बी जे और एस. तो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन यू ऑल थिंक वी कैन यूज. सो आई वॉन्ट कि या तो जे होगा या तो एस होगा. अदरवाइज इफ नॉट देयर इज एन एरर विच आई वॉन्ट कि एरर पॉपअप करे कि एरर दिखाए इधर लिखा हुआ. अदरवाइज द डेटा इज ओके. If S लगा सकते हैं. हाँ if तो if I will write or क्योंकि it can be either J or it can be S. तो मैं लिख रही हूँ this if this is equal to I can say J correct comma equal to S. If this is there, then my data is okay. Otherwise, I should get an error. So, main likh deti hu idhar error. Dekh lo. Error ka wo missing hai. Acha. Wo apne aap theek ho jata hai. Now, this is the one way of doing it. Ek aur tarika hai, wo I will explain. जो आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सोल्यूशन में इन्होंने दूसरा वे किया है. इन लोग दोनों अगर हम लोग इफ एस यूज करें तो इफ एल्स इफ इफ्स आई एफ एस इफ जब दो कंडीशन लगा सकते हैं. आदर्श आई डोंट थिंक आप बिकॉज़ इफ्स फंक्शन इन्होंने नहीं यूज किया है कहीं भी. इनफैक्ट जो मैंने कल पीपीटी किया था बनाया था उसमें भी इफ्स फंक्शन नहीं. जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि सम इफ मैक्स इफ मिन इफ ये सब यूज कर सकते हैं बट सम इफ्स जनरली दे अवॉइड. इवन यू नो दे अवॉइड एवरेज इफ फंक्शन. इन लोग पता क्या करते हैं एवरेज इफ की जगह पे दे यूज सम इफ डिवाइडेड बाय काउंट इफ. तो लाइक इट इज एवरेज इफ ना सम बाय काउंट. तो इन लोग क्या करते हैं सम इफ बाय काउंट इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरेज. आई डोंट नो व्हाई बट यस यू कैन यूज एवरेज इफ आई थिंक. मेरे को लगा इफ और भी एक नेस्टेड फंक्शन है बट इफ एस इज अ सिंपलर फंक्शन कंपेयर टू इफ और इज अ नेस्टेड फंक्शन ना. आप इफ भी हां लगा रहे और भी लगा रहे बट इफ एस से सीधा वो दो स्टेट कंडीशन में बोला स्टेटमेंट आ जाएगा. हां तो मैं बोल रही हूं कि द थिंग्स व्हिच वी सी कि ये इजी है इवन इफ का बहुत छोटा है बट यू विल सी कि बहुत बड़ा बड़ा भी इन्होंने यूज करा है पूरा इफ नेस्टेड इफ लाइक 3-4 इफ अलग-अलग मॉडल्स में है. So they prefer if or over ifs. Correct. Okay. So that is what I'm saying ki average if bhi nahi use karte. They use sum if by count if. But average if hum log use kar sakte hain because that is there in the given functions. Achha. To ye ho gaya. Now this इन दिस वील गेट कि कहाँ पे एक्चुअली एरर है इफ देर इज एन एरर. तो देखो यहाँ पे एक एरर मिल रहा है मुझे आई थिंक कैंडिडेट नंबर 82 में. देखना इधर एन है इंस्टेड ऑफ एस या फिर जे. तो ऐसा जो भी मुझे मिले आई विल कलर दिस इनटू रेड चेंज दिस इनटू रेड बेसिकली. या फिर आप येल्लो में भी चेंज कर सकते हो बोथ. ठीक है ग्रीन येलो या फिर रेड एनीथिंग बट फॉलो ओनली वन थिंग विच यू आर डूइंग. तो यहां पे लेट मी जस्ट कीप इट इन ग्रीन. रेड एक्चुअली थोड़ा अजीब लग रहा है बट यस रेड भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है.
ऑल्सो यहाँ पे इसको पूरे को हम लोग इसको रेड में चेंज कर देते हैं बिकॉज दिस इज अ चेक विच वी आर मेकिंग. सो दिस इज द वन मेथड ऑफ डूइंग इट. द अदर मेथड व्हाट दे फॉलो इज, एक बार ध्यान से सुनना. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओके एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग एरर, व्हाट दे डू इज कि अगर ये जे है और अगर ये एस है तो यहाँ पे हमें वन दो या फिर जीरो. सो इफ दिस इज जे और इफ दिस इज एस, गिव मी अ जीरो, ठीक है, या फिर वन. सो आई विल शो दिस फॉर माई नेक्स्ट टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट क्या होना चाहिए कि ये जो सारे नंबर्स हैं दिस शुड बी लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 90. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 का टेस्ट रखते हैं सबसे पहले. तो यहाँ देखना करते क्या इन लोग, आप लोग को एक ही मेथड फॉलो करना है इन द ऑल द थ्री बिकॉज व्हेन वी मेक द ऑडिट ट्रेल तो हमें इजी होगा टू एक्सप्लेन. तो अगेन इफ इफ सो यू ऑल कैन से या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि काउंट इफ कितने नंबर्स इन सब में से कितने नंबर्स अबव 90 है. काउंट इफ इन सब में से कितने नंबर्स क्राइटेरिया हो जाएगा अबव 90. एक बार देख लो. वी शुड गेट अ जीरो यहाँ पे. नहीं ये लेस देन लगाना पड़ेगा ना हम लोग को, तब जीरो आएगा. ग्रेटर देन 90 तो सभी तो ग्रेटर देन 90 है. हाँ हाँ सॉरी सॉरी. सो दिस शुड बी वन सेकेंड. नहीं एक्चुअली पर ये चेक है ना, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे वो चेंज करते हैं. यहाँ पे एक्चुअली हमें चेंज करना है. हाँ सॉरी चेक वही रहेगा बट चेक यही रहेगा. कंडीशन शुड बी डिफरेंट, क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा. ओके सो दिस शुड दिस वी आर गेटिंग जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो सही है. जीरो ही आना चाहिए इनफैक्ट सब जगह, बट कहीं ना कहीं यू विल गेट अ वन. यहाँ पे वी आर गेटिंग अ वन वन. कर लो एक बार. ये मार्क्स आपके लाइक सॉल्यूशन पे देते हैं कि फॉर्मूलास पे भी देते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूलास दैट वी हैव यूज्ड? इन लोग दोनों पे देते हैं एक्चुअली. सॉल्यूशन पे तो देते ही हैं, प्लस वो जो होता है ना अलग से टेक्निक्स का, एक्सेल टेक्निक्स व्हिच वी आर यूजिंग द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग उस पे भी मार्क्स होते हैं. तो इसीलिए हम लोग जैसे इसको कलर कर रहे हैं, कलर नोटेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन बिकॉज इन लोग कंसिडर करते हैं ये चीज. ऑल्सो वॉट आई ये लेस देन 90 नहीं होना चाहिए. हाँ ये इक्वल टू नहीं होगा, मुझे भी वही अभी स्ट्राइक किया कि गलत है. एंड यहाँ पे ऑल्सो ना चेंज दिस टू लेस देन 90 बिकॉज दिस इज वॉट वी आर चेकिंग कि लेस देन 90 नहीं होना चाहिए. सो देन आई कैन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस I can select this particular cell. एक बार देख लो. So I have changed the formula. I have written count if in सब में से less than 90. Less than equal to नहीं, क्योंकि 90 obviously possible है. एक error आएगा इसमें. ठीक है वो हम लोग देख लेंगे error किधर आ रहे हैं. Error आ रहा है कौन से 89th रो. 89 89 रूम आपका. हाँ यही है.
So we are getting इधर two आ रहे इधर. हाँ two है. This should not be two. गलत है ये. इसको check करेंगे हम लोग. फिर less than अब हमने greater than 100 भी check करना है. So again what we can do is ये same formula ही लिख सकते थे अपने. Keeping the columns constant. Columns को constant कर दिया मैंने. Absolute कर दिया sorry. Columns को. ठीक है and इसको अपने कर देते right drag. Count if ये पूरा चीज should be again greater than 100. So if it is coming as greater than 100 तो मतलब वो गलत है. देख लो एक बार. So now once you all have done this ek baar mujhe batana So greater than 100 and less than 90 is second and third check, right? ये individual one and one check count हो जाएगा. Correct, correct. 1, 2, 3, तीन check हो गए. हाँ, हो गया. अब हमें क्या करना है कि सो आदर्श ने ऐसे देख के बताया कि किधर है वन बट ऑब्वियसली इतना बड़ा डेटा में हम लोग सर्च नहीं करेंगे हमें पता भी नहीं कि कितने एरर्स मिल रहे हैं हम लोग कहीं स्किप तो नहीं करते एरर सो व्हाट वी डू ओवर हियर एक हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग डेटा कितना है हमारे पास तो यहाँ पे लिख सकते हो चेक्स एंड यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज फॉर ऑल द कॉलम्स तो इस कॉलम के लिए तो सम इज द बेस्ट ऑप्शन अगर इस पूरे कॉलम का आई एम टेकिंग द सम एंड अगर वो जीरो आ रहे तो यानी कि देर आर जीरो फेलियर्स करेक्ट अगर वन आ रहा है तो मतलब एक नंबर है जो 90 से छोटा है अगर टू आ रहे यानी कि दो नंबर है जो 90 से छोटे हैं सो ऑन तो इस पूरे का हम सम ले लेंगे इस पूरे का हम सम ले लेंगे सो देर इज वन फेलियर विच वी कैन सी तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स ये भी लिख सकते हो या फिर सिंपली यू ऑल कैन राइट चेक दोनों लिख सकते हो नॉट एन ऑप्शन नॉट एन इश्यू एट ऑल सॉरी फॉर दैट ठीक है तो ये हो गया इसको भी अपने इसमें चेंज कर देते हैं इसको आई कैन चेंज इट टू ब्लैक एज वेल इफ आई वॉन्ट एंड ये मैंने इधर किया एक्सटेंड तो यहाँ पे भी एक नंबर ऐसा है पूरे मेरे डेटा में जो अबव 100 है सो लेट मी चेक कौन सा नंबर ऐसा ये वाला आई थिंक इधर पे कौन सा है ये है 194 देख लो फॉर कैंडिडेट नंबर कॉम्पिटिटर नंबर 38 This is 194, which is greater than 100, which is obviously not possible according to our background. Candidate number 38 का ये 194 आ रहा है, which is not possible. ठीक है. So now in this row in this column how can we calculate the number of failures batana pura batao ek bar function kya use karenge
equals to if this particular y5 equals to okay, then give me one, नहीं give me zero, otherwise one. And फिर उसको तो हमें एक ही cell में डाल रहे हैं ना, according to what you are saying, तो वो हमें एक अलग से column बनाना पड़ेगा फिर side में. अच्छा हाँ ठीक है. और so sum करके bracket करके count if कर सकते हैं, I mean we can nest two functions वैसे. हाँ एक्चुअली द बेस्ट इज काउंट इफ करना कि कितने नंबर ऑफ ओके कितने नंबर ऑफ एरर आ रहे हैं वैसे करके. नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास टू चेंज. आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो ओके है इसको आप लोग कर सकते हो जीरो एंड एरर को डाल सकते हो वन. तो अगर ओके है तो जीरो आएगा, एरर है तो वन आएगा, तो यहाँ पे भी सम फंक्शन यूज कर सकते हैं. करेक्ट, क्लियर हुआ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर ये ओके है तो जीरो जीरो कर दो, यानी कि इस ओके के बदले जीरो कर दो, इसके बदले जीरो कर दिया मैंने एंड एरर के बदले मैंने वन कर दिया. करेक्ट, तो अब क्या होगा, सारे वन अगर जब मैं सम लूंगी इसका तो जहां पे अगर जितने भी एरर्स है वो मुझे मिल जाएगा, एक एरर या दो एरर एंड सो ऑन. So this is one possibility you can do. You can change this entire function and then you can take out the sum yahan pe, jaise humne iske liye nikala hai. This is possible or else hum log yahan pe ek function use kar sakte hain countif ka. Ki count karo ya fir sumif bhi le sakte ho. Count karo kitne, actually sumif nahi le paoge, countif hi lena padega. काउंट करो कितने हमारे पास एरर आ रहे लिखे हुए. क्लियर, समझ में आया क्या कर रहे हैं? काउंट करो कितने एरर लिखे हुए आ रहे. सो देयर इज ओनली वन एरर व्हिच वी आर गेटिंग, ये वाला जो हमने निकाला था ये. सो देयर आर टू ऑप्शंस यू कैन डू. सी नाउ व्हाट I will suggest going with the other option कि ये sum वाला is better. क्यों? जब audit trail लिखोगे ना तब आपको अलग से दोनों के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, आप तीनों के लिए लिख सकते हो कि यहाँ पे हमने sum लिया है इन तीनों cells का, अदर इन तीनों columns का. otherwise आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, you will write इसके लिए कि हमने count if लिखा है उसको समझाओ तो अलग से दो line लिखो एंड इसके लिए फिर अलग से लिखो. सो इट इज अ यू कैन से और तीन चार मिनट का अलग एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा तीन चार लाइन्स का, तो वो अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर कि हम लोग जीरो वन ले. बट अगेन आप लोग को एग्जाम में जो समझ में आए याद आए वो फॉलो करो, बट दिस इज वॉट आई थिंक कि हमें जीरो वन लेना विल बी बेटर दैन यूजिंग दिस. So you can use both the approach, कोई दिक्कत नहीं है, but using this approach will be better for the audit trail. अभी के लिए दोनों सही है, but जब audit trail बनाएंगे तब उस समय we'll realize कि कितना time save हो रहा है, हमें तीन चार लाइन कम लिखना पड़ेगा. तो मैं अभी के लिए वैसे ही कर रही हूं एंड यहाँ पे ये जीरो क्यों गया. अच्छा तो इसका सम ले लेते हैं, अब एक बार चेक कर लो प्लीज ऐसा आ रहा है क्या सबका. हाँ ठीक है, एक बार बाकी सब भी चेक कर ले. अब इस शीट में एक और चेक अगर डालना है तो डाल सकते हो कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 100 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड मटेरियल.
तो एक बार देखना यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, चेक या फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चेक, एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, एक बार ध्यान देना, इफ दिस इज इक्वल टू, या फिर बेटर ऑप्शन इज आई थिंक काउंट लेते हैं, काउंट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स, एक बार देख लो प्लीज, इफ काउंट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू द टोटल कॉम्पिटिटर्स विच वी हैव, देन इट इज ओके, अदरवाइज देयर इज एन एरर. ठीक है, ये क्या हो गया, काउंट, अच्छा सॉरी रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं, सो अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, काउंट ये पूरा, should be equal to the competitors which we have, then it is okay, otherwise there's an error. देख लो, मैं इसका भी दो तरीका बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं. तो एक ये मेथड है कि हमने क्या लिखा, द एंटायर, तो ये मेरा ओके आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि वी आर अप्लाइंग अ चेक यहाँ पे. एक और चेक डाल दिया मैंने अपनी शीट में, सेल्फ चेक. सो बेसिकली मैंने चार चेक अभी तक डाले हैं. पहला चेक टू सी वेदर द कैंडिडेट्स आर एस और जे, दूसरा बिलो 90, तीसरा अबव 100, एंड चौथा ये वाला कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इक्वल टू 100. आप लोग और सिंपल डाल सकते थे इफ, आई होप कि सब लोग फॉलो कर रहे हो, इफ देखना, इफ दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स वी हैव, देन ओके, अदरवाइज देयर इज एन एरर. दोनों ऑप्शंस कर सकते हो, बट व्हाट आई थिंक Using the first one is better. क्यों? क्योंकि उससे मैंने क्या किया, काउंट लिया. हो सकता है बीच में, एक बार सुन लो प्लीज, 81 के बाद instead of 82 we directly have 83. Is this possible? 81 के बाद instead of 82 सीधा 83 है, मतलब 82 missing है. This is obviously possible in our data. तो वो फिर miss हो जाएगा, वो वाला जो एरर है वो मिस हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, दिस इज द बेस्ट फंक्शन विच वी कैन यूज. ठीक है, दिस इज और चेक कर सकते हैं इफ देयर इज सम डुप्लीकेसी, वो भी तो कर सकते हैं, मतलब 82 को दो बार कॉपी कर दिया तब भी 100 आएगा. बट करेक्ट, वो भी कर सकते हैं आदर्श, बट यहाँ पे इफ यू सी द मार्क्स, 3 मार्क्स है. करेक्ट, तो वो डुप्लीकेसी के लिए भी एक चेक कर सकते हो. नो डाउट क्या चेक होगा पता है, मैं बता देती हूँ, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है. वो चेक कैसा होगा एक बार देखो, अच्छा तुम ट्राई करो बताने का कैसे कर सकते हो. नहीं पता उसका फंक्शन, मेरे को नहीं पता कि कैसे करेंगे. देयर इज नो फंक्शन. क्या करना है आपको, पहला नंबर 1 हो गया इधर. हाँ ठीक है, सो इफ दिस इज, और यू कैन राइट इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो ट्रू आ रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज हमें क्या चाहिए, दिस प्लस, दिस प्लस 1 इक्वल टू 2. एक बार देख लो, पहले वाला सेल प्लस 1 शुड बी इक्वल टू दिस. हाँ अगर ये सही है तो ट्रू आएगा.
otherwise we'll get a false. Huh, correct. This is okay. So this can be also one check, but again 3 marks hai, 3 ya 4 se zyada checks nahi dene. Again, what Adarsh is saying, aisa possible hai, to aapko isme zyada time nahi lagega, you can simply do it. And जब ऑब्वियसली जब हम लोग ऑडिट ट्रेल बनाएंगे उसमें हमें एक लाइन अलग से मेंशन करना पड़ेगा अबाउट दिस चेक कि हमने ये भी चेक किया है कि वेदर देयर इज नो डुप्लीकेसी इन द कॉम्पिटिटर्स, तो उसको भी हम लोग उसमें लिखेंगे. सो ओके, इफ यू ऑल, इफ आदर्श इज सेइंग वी शुड ऐड दिस आल्सो, सो वी कैन राइट कॉम्पिटिटर चेक यहाँ पे. सो वी शुड राइट कॉम्पिटिटर चेक यहाँ पे. ठीक है, गुड. तो और मुझे नंबर ऑफ चेक्स नहीं समझ आ रहे, एंड इन फैक्ट वी हैव डन अ लॉट ऑफ चेक्स, वी विल गेट एंटायर 3 marks यहाँ पे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज टू कैलक्यूलेट द एवरेज ऑफ 25 meter स्कोर्स फॉर ईच कॉम्पिटिटर यूजिंग द डेटा एडजस्टेड इन पार्ट वन. सो नाउ दे आर मेक दे, तो यहाँ पे खाली चेक्स नहीं करने थे, इफ यू सी वैलिडेट करके हमने खाली अभी तक वैलिडेशन करा है, दे ऑल्सो वॉन्ट अस टू मेक एनी एडजस्टमेंट्स वेर एवर नेसेसरी. तो जो भी हमारे ये तीनों एरर्स आ रहे हैं इनमें हमें ये भी देखना है कि इसको ओवरकम कैसे करें, यानी कि नाउ वी हैव टू मेक सर्टन चेंजेस इन आर डेटा, तब जाके हमें पूरा 3 marks मिलेगा. क्लियर? सो दैट इज वाई आई एम सेइंग और ज्यादा चेक्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना भी हमें फिर नहीं करना. तो अभी वॉट वी हैव टू डू इज वन मेक वन मोर शीट, एंड वहां पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टेड डेटा चेंज करेंगे अपने डेटा को. एंड वॉट आर द चेंजेस विच वी हैव टू मेक, एक तो ये 194 में, एक इसको और एक इसको, ये 3 एरर जो मुझे मिले इन तीनों को चेंज करने. So now what I can do is I can copy paste this entire sheet, move or copy, ek baar dekh lo. What I'll do is after this class I will share my spreadsheet. So agar aapka kuch bhi miss ho jaye, you all can simply refer, koi dikkat nahi hai. Moving to the very end of the thing, to yahan pe scores main isko rename karti hu, corrected scores kar dete hain. करेक्टेड स्कोर्स कर देते हैं, ठीक है. नाउ व्हाई डिड आई मूव एंड कॉपी, एक बार देखना, क्योंकि यहां पे इफ यू सी अभी भी लिंक किया हुआ है डेटा स्कोर्स वाले शीट से, लिंक किया हुआ है, करेक्ट. यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट वैलिडेशन ऑफ डेटा स्कोर्स की जगह आई कैन राइट करेक्टेड डेटा स्कोर्स. मूव एंड कॉपी का शॉर्टकट क्या था, या मतलब कैसे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, मूव एंड, अच्छा शीट पे, ओके, एंड क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना, ओके, ठीक है. तो डेटा स्कोर्स का कॉपी बनाना है, डेटा स्कोर्स वैलिडेशन वाले शीट का, डेटा स्कोर वैलिडेशन का, क्योंकि हाँ, आदर्श हमें ये भी चाहिए ना, हाँ, चेक भी चाहिए, हमें देखना है कि ये 0 हो जाए. तो इन्होंने 3 marks दिया है फॉर चेक्स एंड एडजस्टमेंट, करेक्ट. एडजस्टमेंट का भी तो कुछ ना कुछ मार्क्स होगा, तीनों मिला के 3 marks है. सो बेसिकली इट इज लाइक आपको ये सबका चेक का मे बी 2 marks मिले एंड 1 mark फॉर चेंजिंग एडजस्टमेंट. हाँ, तो एडजस्ट मतलब नहीं है. We'll see the examiner's report इसके बाद, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या है changes, कैसे marks distribution है. But this is the way. 2 mark आपका check का है and 1 mark आपका adjustment का है. ठीक है. Now in this case, once you have done this, let us make the changes. So when we make the changes, इसको पहले तो हम कर देते हैं ग्रीन में चेंज,
ठीक है. इफ यू ऑल वॉन्ट, वॉट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रेड में छोड़ सकते हो या फिर आप ग्रीन रख सकते हो. तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आई हैव मेड द चेंज, आई विल मेक द चेंज, मैंने इसको ग्रीन में चेंज कर दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू यू ऑल, ये 194 डेटा जो डाला हुआ है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए हमें? वॉट अकॉर्डिंग टू यू ऑल इज द मिस्टेक मेड बाय द डेटा टीम, जिन्होंने इनपुट डाला होगा, डेटा डाला होगा? वन एक्स्ट्रा सामने 94 होगा. करेक्ट. तो ये होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 194 इसको कर देंगे 94. बट खाली ये करने से नहीं चलेगा, यू हैव टू एड अ कमेंट यहाँ पे. सो यू हैव टू एड अ कमेंट यहाँ पे, ऐसे लिखना पड़ेगा कि कंसिडरिंग वन was added by mistake, या फिर one was written by mistake. Changed 194 to 94 considering. अब देखो आप लोग को ये लग रहा होगा कि comment करने से time waste होगा, बट अब मैं इसका भी बताती हूँ एडवांटेज आप लोग को, कि यहाँ पे जो मैंने कमेंट डाला है, ठीक है, इस कमेंट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे इन आर ऑडिट ट्रेल. सो व्हाट वी विल डू इज, जब ऑडिट ट्रेल बनाओगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि आपने चेंजेस किए अपने डेटा में, तो उस समय हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. तो वहां हमें टाइप नहीं करना है, टाइप करने का टाइम सेव हो गया. आपको टाइप तो उधर करना ही था, ये चीज ऑडिट ट्रेल में कि आपने क्या चेंज किया है वो बताना पड़ेगा आपको कि आपने क्या चेंज किया है. तो उधर भी लिखो इधर भी लिखो, कहीं हमारा मार्क्स नहीं लूज आउट हो. तो यहां मैंने अगर टाइप कर दिया ना, इसको मैं उधर कॉपी पेस्ट कर दूंगी सिंपली, ठीक है. तो अभी इफ यू सी, एक एरर हमारा चला गया है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू मोर एरर्स. एक तो ये, आदर्श व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? एक बार हम लोग को वो करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कितने ऐसे कितने जूनियर है कितने सीनियर, आई थिंक. ओके, और कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? मतलब सब सीनियर है तो वैसे सीनियर होना चाहिए, बट वो मेरे को बहुत वही होना चाहिए. इफ यू सी द वे इट इज सॉर्टेड, पहले पूरा जे है साथ में एंड देन पूरा एस है. हो सकता है बाय मिस्टेक एस के बदले एन लिख दियो, मतलब लेकिन वो मतलब इसको डिफेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल लगा था कि अच्छा सब ऐसे डिफेंस ऐसे ही करेंगे कि ये पूरा एस के, ये सॉर्टिंग ऐसे किया हुआ है कि पहले जे एंड देन एस. तो यहाँ पे द प्रोबेबल थिंग इज, एंड देन अगेन इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो, इट इज अबाउट आप क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हो. तो यहाँ पे इवन इफ यू मेक इट 194 के जगह आप 100 लिख रहे हो, कंसिडरिंग कि मैक्सिमम 100 है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो मैंने उसको 100 किया है 194 को. इफ यू गिव दिस जस्टिफिकेशन तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा. तो वो उस जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग जे होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग उसके अकॉर्डिंग एस होगा. बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है. तो इधर भी कमेंट ऐड कर देते हैं, इसको पहले एस में चेंज कर दूं एंड देन लेट मी ऐड अ कमेंट. आई थिंक कमेंट का शॉर्टकट F2 था ना? नहीं, आई डू नॉट रिमेम्बर द शॉर्टकट. हाँ, शिफ्ट F2 है कमेंट का शॉर्टकट, Shift F2. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चेंजिंग N टू S as only two age bands are
possible S and J. Also, this data is sorted in this manner. In alphabetical order, basically. ठीक है, सिद्धि, आदर्श, गीतिका, एक और है, टू वाला भी है, वो ग्रीन कर दिया आपने। हाँ, इसको बताओ क्या करें। हम तो 92 मतलब मेरा करेक्ट 92। नाउ अगेन आप बोल सकते हो कि मिनिमम 90 के नीचे नहीं होगा तो इसको 90 करते हैं। हाँ भाई, अगेन दिस बोथ एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। तो इसको मैं लिख देती हूँ चेंजिंग to 92 as considering 9 was missed while inputting the data. So while inputting the data, 9 was missed. इसको कर देंगे 92. And when you see now, हमारा जीरो एरर्स हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी गेट द कंप्लीट मार्क्स। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इफ यू ऑल वॉन्ट, वी कैन ऑल्सो कीप अ क्लास इन वीकडेज में, अगर आप लोग को चाहिए तो। या फिर टुडे इफ यू ऑल वॉन्ट, आई कैन अगेन कीप अ क्लास एट 4 o'clock एक्चुअली, सो वी कैन डिस्कस दैट इन द ग्रुप। बट अभी के लिए वी विल डू टिल हियर, आई विल शेयर माय शीट। तो यहाँ तक आप लोग करो, आगे का अभी मत ट्राई करना, वी विल गो अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप। आर यू एबल टू फॉलो अभी तक जो भी हुआ बाकी सब, गीतिका एंड सिद्धि, इफ यू ऑल आर देयर। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। ओके, या एंड आई शेयर द शीट एज वेल। आप लोग प्लीज प्री रिक्विजिट वाला वीडियोस सारा देख लो, सो दैट आप एक बार वो पासवर्ड जनरेट करवा देना ना, वो प्लेयर और पासवर्ड। ओके, आप अभी मैं करवा देती हूँ, अभी मैं करवा देती हूँ, अभी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर। थैंक यू। Thank you.